जी क्या मामला है, किस लिए आज आप आई हैं? सर ऐसा है कि मेरा पति मतलब लड़ाई झगड़ा करता है, मारता पीटता है, इसी वजह से मैं पहले जाना हुआ थाने से गई, फिर यहाँ मतलब वो बोले कि फतेहपुर में एसपी साहब के यहाँ जाइए। थाने से आपसे बोला गया? हाँ थाने से बोला गया था कि आप वहाँ जाइए। तो फिर आज यहाँ आई, क्या आश्वासन मिला आपको? ये सर मिला मतलब कि आप खेत 3 लाख रुपया था, मतलब वो उसके पीछे वो खराब संबंध रखता है सरोज के पीछे और उसी का पैसा दे देता है। कौन है सरोज? सरोज मतलब उसकी व्यवहार टाइम में एक वो औरत है जी, उसके उसका कुछ मतलब उसका संबंध वो नहीं है, खास नहीं है, व्यवहार है उसका जी। उसको मतलब वो रखे है, मेरे घर में आती है रात रात घर बनी रहती है, मेरे मैं जो बोलती हूँ तो मुझे मारने मरवाती है इससे मेरे आदमी से। आप, रात आप, में आपके अपने आदमी से खुद मरवाती है आपको? अपने आदमी, मेरे आदमी से मरवाती, बोलती है इसको मारो और निकाल देता है घर से, बोलता है जाओ जहाँ जाना हो जाओ। क्या चाह रही हैं आप? अब यही चाह रही है कि सर हमारे 3 बच्चे हैं, अब कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए, मुझको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मनीषा देवी। गांव कौन सा है? गांव है मेरा मतलब रूरा, ससुराल है जहांगीराबाद, थाना है जहानाबाद। फतेहपुर में थाना जहानाबाद के जहांगीराबाद गांव में पति पत्नी के बीच विवाद में दोनों के द्वारा थाना जहानाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी क्या मामला है? ये मामला है साहब कि ये लड़की को हम शादी जब से किया तो 2-4 साल तो ये ठीक रखा है, उसके बाद में तकलीफ है तकलीफ है। एक बार छत से फेंक दिया था, पेट में बच्ची थी वो भी खलास हो गई, तब हम समोस हो गए, कभी कुछ नहीं किया, ना कार्रवाई किया नहीं कुछ किया कि सुधर जाए। अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि मतलब ये एक लड़की सरोज सरोज से नाजायज संबंध रखता है, और वो जमीन का जो पैसा मिला है मौजा तो इन्होंने खींच रहे हैं, 1-1 लाख रुपया राम बहादुर इन्होंने लिया, ले लिया जेवर वो ले गए। अब ये है साहब कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इसका घर बस जाना चाहिए। क्या नाम है आपके दामाद का? राजकुमार नाम है। गांव कौन सा है? जंजीराबाद। थाना? जहानाबाद। आपका क्या नाम है? राम गोपाल। आपका गांव? हमारा गांव छोटी सराम मंजरा रूरा।